नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं नागदा की खबरों की ओर। कांग्रेस ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में नशे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नागदा सीएसपी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने नशे के लत से युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है और आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व में खुलेआम शराब, गांजा, चरस खुलेआम बिक रही है। आरोप कांग्रेस के जिला महामंत्री सुबोध स्वामी ने लगाया और ये भी अल्टीमेटम दिया कि आने वाले कुछ दिनों में इन सब पर रोक नहीं लगी तो उज्जैन एसपी ऑफिस का घेराव करेगी, जिसमें समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और तो और, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के लाडले अडानी के बंदरगाह से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। इस पर मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान क्यों मौन है? अति विधायक गुर्जर का कहना था कि शहर में जो नशे का कारोबार चल रहा है उस पर प्रशासन विराम लगाए। युवा पीढ़ी आगोश में आई हुई है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले जो नन्हे नन्हे भविष्य हैं कम से कम इस नशे के व्यापार से दूर रहें। वर्तमान की युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से बचाया जा सके। नागदा से पवन जाट की रिपोर्ट। चोर को बोले चोरी करते रहो और जनता को बोलते जागते रहो, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पुलिस प्रशासन को दे दिया ज्ञापन, ज्ञापन के बाद बोला ये तो हमने पत्र दिया था और पत्र काय का दिया था कि नशा कारोबार बंद करने का। और जैसे ही पुलिस प्रशासन ने किसी का फोन आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता था कि क्यों पकड़ा, बेचने दो। अगर भारतीय जनता पार्टी नशे की दलाली करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन इस नगर और इस विधानसभा क्षेत्र में नशे की दलाली या कारोबार नहीं करने दिया जाए। और हम आपको स्पष्ट चेता देना चाहते हैं कि अगर नशा कारोबारियों के विरोध में पुलिस प्रशासन ने सत्यपाल महोदय से लेकर छोटा कार्यकर्ता तक नरेंद्र मोदी के कहने पर पकोड़े तल रहा है क्या? कांग्रेस के संरक्षण के बावजूद कांग्रेस ने मनोहर वाटिका में खुलेआम गांजा बिक रहा है, मनोहर वाटिका में खुलेआम दारू बिक रही है, मनोहर वाटिका में खुलेआम स्मैक बिक रही है। और मोदी खेल परिसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे तैसे प्रभाव में मोदी नाम तो रख लिया, लेकिन जिस तरह पूरे देश को नरेंद्र मोदी नशे का आदि कर रहे हैं, उसी तर्ज पर उस मोदी खेल प्रसाद में भी नशा खुलेआम बिक रहा है। स्मैक नशीला पदार्थ उतरा, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए की है। और वो किसका है? गौतम अडानी, जो मोदी जी के परम मित्र है। और इस तरह बताया है कि इससे पहले लाखों करोड़ का गांजा, चरस, हीरोइन और स्मैक इस पूरे देश में बढ़ गया, वो नागदा में भी आया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता आप लोगों को ज्ञापन दे देते हैं, हमारी मत सुनो, उनकी सुन लो। और अगर वो फोन करते तो आप सार्वजनिक करें उसको। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपको फोन करता